नासा टॉप पे ना, सब में टॉप पे आ गए ऊपर टीले पे, सब देखो सबसे ऊपर एंड लेवल पे। ये ट्राई करते, ओहो रिस्की है, तो ठंड लग रही है यार बहुत तेज तगड़ी वाली। तो फाइनली टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ मैं पैर से ढूंढ रहा हूँ, यहीं से कूदूंगा शॉर्टकट हो जाएगा। तो गाइज हम सनासर लेक आ चुके हैं फिलहाल, अभी हम देखो पार्किंग में खड़े, हमारी गाड़ी जो है अभी वहां पार्क हो चुकी है। हेलो गाइज वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं सनासर लेक जो कि जम्मू और कश्मीर के अंदर है, और वहां पे हम घूमने जा रहे हैं। उसके बाद हम वहीं जाएंगे पटनी टॉप नाथा टॉप घूमने। तो हमने अपनी पर्सनल गाड़ी करा ली है, अभी हम ढाबे पे रुके थे तो मैंने कहा अपना इंट्रो दे देते हैं पहले। तो आज हम सनासर लेक घूमने वाले हैं, और पटनी टॉप और नाथा टॉप तीनों चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई गाड़ी ना हम अपनी पर्सनल हमने ढाबे पे लगा दी है, क्योंकि लग रही है बहुत तेज हमें भूख। पहले हम खाना खाएंगे, खाना ऑर्डर कर चुके हैं, मैंने कहा पहले इंट्रो दे देते हैं। उसके अंदर यहाँ का व्यू देख लो अभी पीछे का कैसा है। अभी यहाँ पे एक से एक नज़ारा देखने वाले हैं, और देखो हंसी वादी है यहाँ पे। और जहाँ हम जाने वाले हैं सनासर लेक, वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है, वहाँ जाके देखेंगे। फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, कैसा लगने वाला वो भी हम तुम्हें बताएंगे कैसा है, इन्जॉय करना भरपूर। तो गाइस अभी हमने ना ये देखो दाल फ्राई लगवाई है, क्योंकि सफ़र में ना दाल फ्राई खाने का मज़ा अलग ही लेवल का है। तो दाल फ्राई हम खाएंगे, और रोटी मंगवा ली है, अभी देखते हैं क्या क्या खाएंगे अभी इसके बाद। पहले ये टेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ और मंगाते हैं, चलो खा के दिखाते हैं पहले। तो गाइस अभी हम खाना वाना खा के अभी हमने अब गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, अब सीधा हमारी जो गाड़ी रुकेगी सनासर लेक पे जाकर रुकेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको व्यूज़ दिखाता रहूँगा, यहाँ के जो व्यू है देखना, एक से खूबसूरत नज़ारे यहाँ के आपको दिखाऊंगा मैं। और यहाँ पे मेरे यार दोस्त पीछे बैठे हुए हैं सारे के सारे, अभी इन्जॉय कर रहे हैं इधर के एक से खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों की वादियाँ देख रहे हैं इधर की साइड। और अभी आपको दिखाता हूँ और भी बढ़िया तरीके से, बाकी अब हमारी गाड़ी रुकेगी सीधा सनासर लेक। तो गाइज अभी हम नत्था टॉप पहुंच चुके हैं, सनासर लेक जाएंगे सबसे पहले हम, और यहाँ के जो आप नज़ारे देख रहे हो ना बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और पहले अभी हम जाएंगे सनासर लेक, फिर वापसी में हम नत्था टॉप, और अभी पटनी टॉप घुमाएंगे भैया हमारे, बिल्कुल टॉप पे लेके आ गए भैया। लेकिन यहाँ ना खूबसूरती एंड लेवल की है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे देखो। तो गाइज हम सनासर लेक आ चुके हैं फिलहाल, अभी हम देखो पार्किंग में खड़े, हमारी गाड़ी जो है अभी वहाँ पार्क हो चुकी है। तो अभी हम सनासर लेक आ गए, और यहाँ देखो पार्किंग से देख लो आप व्यू, देखो बिल्कुल ना घाटियों के इधर मतलब पहाड़ों के बीच में है ये, जो नत्था टॉप था उससे भी हम ऊपर आ गए हैं, ठीक है। और जाते समय नत्था टॉप कवर करेंगे और पटनी टॉप जब कवर करेंगे। लेकिन यहाँ देखो आप कितना यार खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, देखो पेड़ों के बीच में है, और वो जो लेक है ना अभी ना इससे भी थोड़ा नीचे है, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि पहाड़ों के बीच में घिरी हुई है वो, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यार, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे तो। और यहाँ पे ना वैसे सारे के सारे बंदे घूमने बहुत आ रखे हैं यहाँ पे, आप ना घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ना अभी नीचे चलते हैं सनासर लेक के पास, और आपको बता दूँ यहाँ पे ना आप घोड़े से भी घूम सकते हो, घोड़े से राइड करवा देंगे आपको, बाकी चार्जेस पता कर लूँगा कितने, और पार्किंग भी हो जाती है। लेकिन पैदल ही हम तो पैदल घूमेंगे, घोड़े पे नहीं, क्योंकि अलग ही मज़ा आएगा, पैदल पैदल ही है, लगता है गलत जगह जा रहा था मैं, गेट यहाँ पे है, गलत साइड चला गया। देखो ऐसे घोड़े होते हैं, ये राइड पे जाते हैं, ऐसे घोड़े वोड़े कर लो आप यहाँ पे करने हो तो आपको, बाकी हम तो पैदल ही जाने वाले हैं। मज़ा आ रहा, देखो काफ़ी नीचे आ रहे हैं, देखो ढलान है ये, देखो यहाँ से देख लो, मज़ा आ गया, ओए हे स्पीड बढ़ गई है प्यारों की, भगते हुए जा रहा हूँ, जो कि मैं भगना नहीं चाहता हूँ फिर भी है ना, जबरदस्ती भग रहे। आप देखो ये देखो अभी यहीं से देख लो आप, एकदम ऐसा ना बीच में ये पॉइंट बना रखा है, ये देखो ये होटल वगैरह है, यहाँ पे कम है लेकिन यहाँ पे होटल ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, होटल वगैरह यहाँ पे देखो कितने नीचे आ गए हैं यार। आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, अगर आप पटनी टॉप में अगर बर्फ़ गिर गई ना तो आप इम्पॉसिबल है कि यहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि रास्ते ना सारे ब्लॉक हो जाएंगे, यहाँ पे आने का ना वही एक रूट है, पटनी टॉप आना पड़ेगा सुबह जाके नत्था टॉप फिर आप आ सकते हो, वही एक रूट है, उसके अलावा कोई रूट नहीं है यहाँ पे। अगर वहाँ बर्फ़ गिर गई तो ब्लॉक है रोड, तो आप यहाँ आ ही नहीं पाओगे, ये मज़े ले ही नहीं पाओगे, देखो देख रहे हो किसी स्वर्ग से कम नहीं है ये। और देखो ये वो लेक है,
देख लो अभी पीछे देखो मेरे कितनी दूर से आ रहे हैं अभी हम चलते हुए, और अभी और नीचे जाना, उससे दुगना नीचे जाना है हमें अभी, बिल्कुल नीचे है। और देखो ये ऐसा ना पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, और इधर ना एडवेंचर राइड वगैरह भी कर सकते हो आप, वो भी पता कर लेंगे अभी। देखो ऐसे घोड़े से देखो वो लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जाते हैं यहाँ पे बंदे। कैसा कैसा लग रहा है बताना भाई, यहाँ पर बिल्कुल मजा आ चुका है। जो भी जैसे बाकी मतलब धूप है लेकिन यहाँ पे ठंड ना फिर भी लग रही है सर, बट वो क्या बोलते हैं अपना लेक का मजा पूरा आने वाला है अंदर वादी है बाकी और मैं एक टांग का लंगड़ा प्लेयर, हॉकी का प्लेयर, ये हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसकी एक टांग नकली है। शाम को कितने बजे तक खुला रहता है ओपन? 7 बजे तक ओपन रहता है। अंधेरा नहीं हो जाता 7 बजे तो? अंधेरा रहता होगा यहाँ पे। अच्छा होटल वोटल किसी ने यहाँ स्टे करने के लिए ले रखा है तो ना? अच्छा ये सारे, अच्छा जी किस प्राइस के होते होंगे? यहाँ पे भैया गवर्नमेंट का लोगों को 6,000 रुपए का मिलेगा, पूरी हट मिलेगी। अच्छा 6,000 रुपए का मिल जाता है पूरी फैमिली का? रूम कर लेना तो 1,000-1,200 रुपए का मिल जाता है। अच्छा 1,000-1,200 रुपए का रूम मिल जाता है, चलो ठीक है। तो भाई ये ना घोड़े की सवारी करने वाले यहाँ पे आए तो क्या सही नहीं लग रहा? सही आ रहा ना? अरे इसमें बैठ जा, सही नहीं लग रहा दिया? सही आ रहा ना? ओके आने जी। अरे ये किस पे बैठो ना, ये छोटा के बैठ, तू बैठ एक पे, तू एक पे भाई एक पे, ये और चांद बैठ जाएगा। बैठे हैं चलो छोड़ दो, चलेगा अपना अभी लेके जाना पड़े मेरे को, लेके चलो। अरे इधर बैठ, एक बंदा उस पे बैठेगा। अरे हाँ हाँ भाई आ जा भाई, क्या हाल है? पहली बार भाई राइड कर रहे हैं हम घोड़े पे, दूसरी बार अपनी शादी में करूंगा, घोड़ी पे करूंगा उस टाइम पे। तो भाई ये घोड़ा हमने कर लिया है, देखो इन भैया ने बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे लगा दिया है, और ये पूरा लेक घुमाने वाले हैं हमें, फुल मजा आने वाला है। वहाँ पे फोटो शूट करेंगे आगे की साइड, इधर खड़े हो गए ना, हाँ मजा आ जाएगा। ये ओए मेरी वाले हट जा, ऐसे नहीं करेंगे, मना कर रहे हैं। यस मजा आ गया, आप भी मना कर रहे हैं तो काफी मजा आ गया, देख रहे हो। हॉर्स राइडर हूँ, ओरिजिनल हॉर्स राइडर हूँ मैं। उसकी बना, उसकी बना, उसकी बना। तो गाइस ये जो दो घोड़े करे हमने देखो वहां से राइड करी है, और अभी ना आगे भी लेके जाएंगे हमें, उधर से घुमा के लाएंगे। ये भैया ने ना बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमें कर दिया है, और इतना मजा आ रहा है, और भी अच्छी तरीके से गाइड भी कर रहे हैं, आगे मंदिर है ये सब चीजें, लेक वगैरह फोटो शूट भी है, खुद बता रहे कौन सी जगह अच्छी आएगी, सब चीजें दिखा रहे हैं, काफी मजा आ जा रहा है। तो अभी ना अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इतना घूम लिया है, अब मैं थोड़ा पैदल चल के दिखाऊं, राइड में एक कंप्लीट करता हूं। तो भाई देखो इन भैया से ना हमने हॉर्स राइडिंग बुक करी है, बाकी हमने पता करी आसपास तो 1,000 रुपए मांग रहे थे यहाँ पे, लेकिन इन भैया ने हमारे को कहा कि चलो कोई नहीं मैं आपको घुमा देता हूँ, तो इन्होंने 600 रुपए लगाए हैं, 600 रुपए में इन्होंने, और एक इन भैया ने करा 600 रुपए में, और ये भैया, इन तीन भैया के हमने घोड़े किए हैं, बाकी सब महंगे थे, कोई सस्ता नहीं कर रहा था, कह रहा कि 800 रुपए कम से कम लगेंगे, लेकिन 600 रुपए ने, लेकिन अब इन्होंने हमें देखा वीडियो बनाते हैं तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है 100 रुपए का, तो ये 500 रुपए कह रहे। अगर हमारे नाम से आप आओगे ना कि दिल्ली से आए थे बंदों ने, यूट्यूब मेरा यूट्यूब का नाम लोगे चैनल का ग्लोसी इंडिया का, तो आपको 500 रुपए में ये भैया घुमा देंगे, और ये भैया घुमा देंगे, और ये भैया घुमा देंगे, ये 500 रुपए में आपको घुमा देंगे, और ये पूरा लेक है आपको जो घुमाएंगे यहाँ से, मजा आ जाएगा, एक नंबर का आपको गाइड करेंगे, ये खुद आपका फोटो शूट भी कर देंगे, वीडियो शूट भी कर देंगे, बहुत प्यारा। तो आप आना इनसे मिलना, भैया नाम बता दो एक बार अपना। सुरजीत, सुनील नाम है भैया का, भैया आपका नाम क्या है? रंजीत नाम उनका, और ये भैया, ये तीन भैया से आप कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको वहीं मिल जाएंगे गेट पे, एंट्री गेट पे, और सब में सस्ता इन्हीं का है जो है, आप राइड करोगे बहुत अच्छे तरीके से घुमा देंगे। यहाँ की वादियाँ देख लो आप, कितनी खूबसूरत वादी है, खूबसूरत वादियों में अलग ही मजा, जन्नत है ये, देखो मजा आ रहा लगे घूमने का। यहाँ पे फोटो शूट वीडियो शूट इतना प्यारा आने वाला है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप लाइव आके यहाँ पे फील कर पाओगे इस चीज़ को, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत मजा। ये देखो घोड़े ऐसे कश्मीर में ऐसी पहाड़ी इलाकों पे घोड़े पे राइड करने का मजा है, इधर चलाने का मजा है इनको, और कहीं मजा नहीं। और आप ये छोटे छोटे वो देख रहे हो, ये घर ना आपको रेंट पे मिल जाएंगे, मैंने भी पता किया है, अब फैमिली आ रहे हो ना तो उनको पड़ता है 500-600 रुपये का पड़ता है ये, और सॉरी 5,000-6,000 रुपये का ये रूम पड़ेगा आपको, और पर बंदा या कपल्स के लिए आ रहे हो तो आगे की साइड है रूम, जिसके आप 1,200-1,300 रुपये में आराम से आपको मिल जाएगा, 1 नाइट स्टे कर सकते हो उसके अंदर। चलो चलते हैं अभी पूरा घूमते हैं और भी अच्छी तरीके से। तो गाइज हॉर्स राइड हमने कर ली है, और ये देखो ये लेक है जो इधर आपको मैंने बताया, इसका नाम है सनासर लेक, इसके वजह से फेमस है। और आप देखो ऊपर देखो पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है और उस साइड भी पहाड़ है, उनके बीच में ये लेक है। और यहाँ पे ना आप बोटिंग भी कर सकते हो, जो बोट है ना आप पर्सनल बुक कर सकते हो, अपनी पूरी फैमिली आ रहे हो उसके लिए पूरी पर्सनल बुक हो जाएगी, जिसका किराया ना 500 रुपये है। यहाँ पे ना आप जिप लाइन भी कर सकते हो, वहाँ से लेके यहाँ तक जिप लाइन है, जिसका ना
आपको 500 रुपये टिकट लेनी पड़ेगी। इसका पैकेज भी 500 रुपये है और शायद पूरा का कॉम्बो होगा जो मैंने पता नहीं किया, उसके 500 रुपये बोर्डिंग के और सॉरी बोर्डिंग के 500 रुपये, हाँ, और 500 रुपये इसके जिप लाइन के, जो कि आप ना इंजॉय कर सकते हो। ये देखो बोर्ड देख लो आप, मेरे पीछे ही जा रही है, देखो फैमिली मतलब अपनी एक फैमिली हो, 6-7 जने 8 जने आप आराम से इसके अंदर घूम सकते हो, हॉर्स राइडिंग भी आप कर सकते हो, आपको मैंने बता दिया। और बाकी इधर घूमने के लिए सब कुछ ले कि ये बस मेन, और बाकी आसपास की जो खूबसूरती है ना पेड़ों की, बहुत ही दमदार है, मजा आ जाएगा आपको। खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार आप आओ जरूर। लेकिन यहाँ पे आप विंटर में नहीं आ सकते हो, मतलब विंटर में आओ लेकिन स्नोफॉल नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे। अगर होगी ना नत्थर टॉप या पटनी टॉप में स्नोफॉल हो गई तो आप इम्पॉसिबल है यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि एक ही रूट है और वो रोड ना बंद है। इसलिए आपको मैं पहले गाइड कर दे रहा हूँ कि अगर आप आते हो तो ये सोच समझ के आना, पहले पता करके आना, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और इंजॉय कर सकोगे इस चीज़ के। तो गाइज अब यहाँ पे हम पूरा घूम चुके हैं कम्प्लीटली और आपको भी बता दिया, घुमा दिया अच्छी तरीके से। लेकिन अब हम जा रहे हैं नत्थर टॉप और पटनी टॉप, दोनों जगह विजिट करेंगे। तीनों चीज़ आपको इसी व्लॉग के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। इधर से हम चल रहे हैं, इधर से देख लो आप कितनी खूबसूरती है इधर की भी, जा रहे हैं वहीं से हम आए थे, बाकी बहुत मज़ा आ जाएगा, एक नंबर का है कश्मीर। जम्मू कश्मीर में घूमने का मज़ा ही अलग है, इसलिए बोलते हैं इसे जन्नत। तो हम आ चुके हैं नत्थर टॉप, देखो नत्थर टॉप में देख लो अभी टॉप पॉइंट पे है और वो ऊपर जाना है हमें, लेकिन ऊपर जाएंगे नहीं, इतना समय है नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें पटनी टॉप भी जाना है। बाकी इधर का व्यू देखो कितना प्यारा आने वाला है, ये है वादियाँ देख रहे हो, अलग ही मजा है। यहाँ से देखो सूरज आ रहा है और यहाँ पे ठंड में आ गया, इतनी तगड़ी लग रही है, हाथ हो चुके हैं एकदम, सुन धुआं भी निकल रहा है मुंह से, फुल ठंड हो रखी है। और यहाँ से देखो खूबसूरती, जन्नत है ये, यहाँ से देख लो अभी इससे भी तगड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस साइड ना इससे भी तगड़ा दिखने वाला है अभी देखो। और यहाँ पे अभी मैंने पता किया है, कह रहे हैं कि स्नोफॉल कभी भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता, आज हो जाए कल हो जाए कभी भी हो सकती है, क्योंकि मौसम ऐसे ही बदलता रहता है यहाँ पे। अभी धूप लग रही होगी लेकिन यहाँ पे ठंड ना बहुत तगड़ी लग रही है, चलते हैं अभी आगे। मैगी तो बेकार बेकार में फेमस है, गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे में मजा है। तो भाई यहाँ लग रही है ठंड थोड़ी, ये देखो पीछे देखो हाथ सेक रहे हैं, आग जला रखी है, बहुत तगड़ी ठंड लग रही है यहाँ पे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। आप इधर, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पेड़ तो दिखेंगे नहीं हिलते हुए, ये अपना तिरंगा देख लो आप कितने तेज हिल रहा है, और यहाँ पे पीछे का देख लो आप व्यू, पूरे में फॉग फॉग हो रखा है, अलग ही लेवल पे, अलग ही लेवल पे ठंड लग रही है यहाँ पे तो, हाथ वाथ सुन हो चुके हैं। बाकी अब देखना तुम वादियाँ, आप देखना उधर से भी तगड़े दिखाने वाला हूँ आपको, ये है वो वादियाँ, ये देखो है वादियाँ, ये देखो यहाँ देखो है जन्नत। और ये आपको ना पूरी अभी स्नोफॉल होगी ना, पूरी वाइट चादर दिखेगी, वाइट चादर पूरी बिछी हुई यहाँ वहाँ पूरे में ना, आपको वाइट चादर दिखेगी, ऐसा छा जाएगा ये पूरा ए टू जेड, यहाँ पे ना इतनी तगड़ी हो जाएगी स्नोफॉल से पूरा ढक जाएगा, रास्ते तक जाम हो जाएंगे इस रास्ते से भी हमारे, इस लेवल पे बंदे बाकी उस एंड चोटी पे जा रहे हैं। वहाँ देखो यहाँ पे ना ठंड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टाइम हो रहा है, अभी 10-15 मिनट में इतना मौसम चेंज हो गया, सूरज देखो ढल चुका है, हाथ मसलने पड़ रहे हैं पूरे, देखो लाल पड़ चुके हैं हाथ, एकदम लाल पड़ गया, नहीं ठंड थी नहीं, मेरे को लग नहीं रहा कि पटनी टॉप हम जा पाएंगे, क्योंकि नाथा टॉप में ना यार देखो इतना अभी एकदम मिनटों में मौसम बदल गया, इधर भी ठंड बढ़ती जा रही है, हवा बहुत ठंडी हो रही है, और समझ लो मैं हाथ मसलते मसलते जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ठंड ना मैं कह रहा हूँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और हमने अपने बाकी मफलर वफलर क्या है वो गाड़ी में छोड़ दिए, वो रह गए दूर, ऊपर चल रहे हैं अभी देखो वहाँ। और ये वादियाँ देखते रहो क्या है यार, तो भाई बहुत ऊंचा है यार ये भी, हमें लगा कि नीचे ही है, चलते चलते हवा खराब हो रही है, वो देखो कितने पीछे रह गए, अभी भी ना टॉप पे जाने के लिए लग रहा है 15-20 मिनट और लग जाएंगे कंटिन्यू चलेंगे। तो देखो इधर भी ना ऐसे लगा रखे इन्होंने, पता नहीं किस लिए, पत्थर वत्थर गिर जाए इस वजह से शायद हो सकता है, लेकिन ढलान है, लेकिन आप आओ ना थोड़ा देख के चलना क्योंकि फिसलन है यहाँ पे थोड़ी बहुत, देखो ऊंचा देखो काफ़ी है, काफ़ी ऊंची आ चुके हैं, आपका देख ही रहा होगा वीडियो के अंदर किस लेवल में हम चढ़ते जा रहे हैं, और सबसे नीचे और बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं, और वहाँ पे अभी सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड बोले मतलब वही पुलिस वाले समझ लो आप, वो जो कह रहे हैं आप निकलने के लिए ऊपर गए, वो नीचे उतारने के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं, देखो वो मैंने बोला लेकिन हमारे दो बंदे ऊपर रह गए, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं ऊपर उन्हें बुलाने, क्योंकि अब समय नहीं है ऊपर जाने का, ये कह रहे हैं कि अंधेरा होने वाला है जल्दी, तो नीचे नीचे उतर लो। आ रहे शॉर्टकट कहाँ है,
ये शॉर्टकट बता रहा है मेरा भाई, उधर ही जाते हैं, ये ट्राई करते हैं। ओहो रिस्की है तो एडवेंचर्स, देखो ये है कुछ बेकार में सीधे सीधे रोड जा रहे हैं हम। बढ़िया है, देखो कहाँ आ गए हम, टॉप पे आ चुके हैं। ठंड लग रही है यार बहुत तेज तगड़ी वाली, वो देखो वो रे भाई, एक गेरा एक बोरा, बाकी सब ऊपर है। व्यू देखो, ओहो मजा आ रहा, लेकिन थक भी गए काफी, ऐसा थक चुके हैं फुल भाई। ना था टॉप पे ना, सब में टॉप पे आ गया ऊपर टीले पे, सब देखो सबसे ऊपर एंड लेवल पे, ये है असली जन्नत। देखो स्नोफॉल हुई तो इम्पॉसिबल है, जिंदगी में नहीं आ पाओगे यहाँ। ये देखो ये सिर्फ आ सकते हो जो स्नोफॉल ना हो, मेरे सांस फूल रही है आप देख सकते हो। ये देखो क्या है यार फील, देखो अलग ही आ रहा, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी, हाथ आप देखो बिल्कुल लाल हो गए, देखो फिसलन है, आराम से आना, मजा आ गया। तो फाइनली टॉप पे हम पहुंच चुके हैं, ये है तिरंगा, इसके लिए कहते हैं जय हिंद। यहाँ पे खड़े हैं नौजवान देश तिरंगा के, जय हिंद मातरम, भारत माता की जय। आप देखो आपको कुछ दिखाता हूँ एंड लेवल पे, देखो ये हम आ चुके हैं टॉप पे, मिशन कंप्लीट। ये देखो अब यहाँ मैं पैर से ढूंढ रहा हूँ, यहीं से कूदूंगा शॉर्टकट हो जाएगा एंड लेवल पे, मजा आ गया है घूमने में। ओए देखो आप अलग लेवल में मजा आ चुका है, यहाँ पे टॉप पे आ चुका, ठंडी ऐसे बर्फ जैसी हवा चल रही है यहाँ पे, और ये हम खड़े हैं अपने तिरंगे के आगे, जय हिंद हमने कर दिया है। और देखो अभी देखते हैं पटनी टॉप हम जा पाए तो ठीक है, क्योंकि उतरने में आधा घंटा लग जाएगा, अंधेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट मुझे लगता है, अगर हम उतर पाए टाइम से अगर पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ठंड बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ पे पूरा खाली हो चुका, सन्नाटा पड़ गया, देखो यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा भाई यहाँ पे बचा हुआ है, और कोई नहीं है। हम भी नीचे जा रहे हैं, ड्राइवर का फोन आ गया, कह रहा अंधेरा हो गया अब रास्ता दिखेगा नहीं, क्योंकि इधर लाइटें वाइटें होती नहीं है, तो पटनी टॉप भी नहीं जा पाएंगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, हमारे तिरंगा को देखते हुए करते हैं जय हिंद।